पौड़ी की बात करेंगे जहां पर बारिश खत्म होने के बाद अब लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं प्रशासन के लिए डेंगू को नियंत्रण करने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा। जिला अधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि रैपिड टेस्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए नए कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा रहे हैं, जबकि नोडल जोनल अधिकारी डेंगू की रोकथाम की व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाल रहे हैं। वहीं नगर निगम और नगर पालिका नगर पंचायतों को निर्देशित किए गए हैं कि डेंगू रोकथाम के लिए फॉगिंग रोज की जाए। पौड़ी से मुकेश वछेती की रिपोर्ट। डेंगू की केसेस को लेकर मैं कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ। नए कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। मेनली कोटद्वार में भी हमारा दिलंबर अभी जो हमारे रैपिड टेस्ट बढ़ाए हैं तो एक्टिव केसेस वहाँ पर काफ़ी निकल रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने जो नए ऑफिसर्स की का डिप्लॉयमेंट किया है, जिसमें कि नोडल ऑफिसर या जोनल ऑफिसर्स वहाँ बनाए गए, और कंटिन्यूसली इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, कंट्रोल का प्रयास कर